महिमा ईशु प्रभु जी गाते आते प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमेन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। पवित्र शास्त्र के यूहन्ना अध्याय 7:37 में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हो? क्या सच्चाई की तलाश में हो? यीशु मसीह आपकी प्यास बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। फिर एक बार जीवन जल कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं और आपका अभिवादन करता हूं। प्रियो, हम लोग अनुग्रह के बारे में देख रहे थे। पिछले बार हमने देखा परमेश्वर का अनुग्रह एक ऐसा एहसान जो हम पर हम लायक ना रहते हुए हम पर हुआ, ऐसे एहसान के बारे में हमने देखा, अनुग्रह जो हम पर किया गया और उस अनुग्रह की पहली क्रिया हमने देखी। पिछले बार मफीबोशेत के जीवन से हमने ये देखा कि हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ। कैसा अनुग्रह? ढूंढने वाला अनुग्रह, खोजने वाला अनुग्रह। हमारे ऊपर ये जो खोजने वाला अनुग्रह हुआ उसके बारे में देखिए, यहाँ पर ऐसा लिखा था, पिछले बार अगर आपने सुना तो ऐसा लिखा था कि हम अयोग्य थे। मफीबोशेत अयोग्य व्यक्ति था, हम भी वैसे ही तो अयोग्य थे। मफीबोशेत के बारे में देखते हैं, वो एक अक्षम व्यक्ति था, डिसेबल्ड था, पर उसके बारे में हम क्या देखते हैं, हम भी उसी प्रकार से थे, हम भी उसी प्रकार से अक्षम थे। परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की महिमा के सामने हम लोग रहित थे। ना ही सिर्फ उतना, पर तीसरी बात हम देखते हैं, वो असंतुष्ट था। और उस असंतुष्ट मफीबोशेत के लिए परमेश्वर ने क्या क्या किया, दाऊद राजा के द्वारा परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या क्या लाया, उसके बारे में हमने देखा। असंतुष्ट क्यों था वो? क्योंकि उसके नाम का ही मतलब था एक शर्मनाक बात, क्योंकि वो रहता था एक जगह में जिसका नाम ही था एक बंजर जमीन। और उन दिनों में ऐसा जगह का नाम हो या एक व्यक्ति का नाम हो, ये कुछ कारणवश ही दिया जाता था। मतलब उसको देखकर कभी ऐसा हुआ होगा कि लोगों को लगा होगा कि अरे ये तो शर्मनाक बात है कि इसको दोनों पैर नहीं है। लोगों को लगा होगा अरे ये लो दबार नाम की जगह है, ये एक बंजर जमीन है, इसका नाम ही हम लो दबार रख देंगे। प्रियो, ऐसे जगह पर और ऐसे व्यक्ति पर जो अयोग्य था, जो यहाँ पर हम देखते हैं अक्षम था, जो असंतुष्ट था, ऐसे एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर ने
प्रेम किया। ऐसे एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर के दास उस महान राजा दाऊद ने प्रेम किया। प्रियो क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का अनुग्रह उसे दिखा रहा था, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर अनुग्रह कर रहा था जो वह अनुग्रह के लायक नहीं था। और उस अनुग्रह के वजह से हम देखते हैं मफीबोशित का पूरा जीवन बदल गया। सिर्फ वो अनुग्रह सिर्फ एक ढूंढने वाला या खोजने वाला अनुग्रह नहीं है, पर उसके साथ दूसरी बात हम देखेंगे आज कि वो एक उद्धार देने वाला अनुग्रह है। आज हम लोगों को ये पता करना है कि ये जो खोजने वाला अनुग्रह है ये हमें उद्धार कैसा देता है, और वो समझने के लिए हमारे सामने यही उदाहरण है जो पिछले बार हमने देखा था। उसी उदाहरण को आज हम हमारे सामने रखेंगे, और उसके लिए हम दूसरे शमूएल का किताब उसका 9वां अध्याय 5वीं आयत से आगे पढ़ रहे हैं। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से अमीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा लिया। जब मफीबोशित जो योनाथन का पुत्र और शौल का पोता था दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। दाऊद ने कहा, हे मफीबोशित। उसने कहा, तेरे दास को क्या आज्ञा? दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनाथन के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शौल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा। तू मेरे मेज पर नित्य भोजन किया कर। उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझ जैसे ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। प्रियो, यहाँ पर हम मफीबोशित के बारे में देख रहे हैं, और हम लोगों ने अभी तक देखा कैसे उस पर ढूंढने वाला अनुग्रह उसके ऊपर किया गया, पर आज हम देखते हैं उसके ऊपर उद्धार देने वाला अनुग्रह कैसा किया गया। उसको ढूंढकर तो लाया गया उस अनुग्रह के वजह से, पर उसका उद्धार भी किया गया, उसको बचाया भी गया उसी अनुग्रह के वजह से। देखिए, उसके बारे में जब हम देखते हैं यहाँ पे हमें दो बात पता चलती है। पहली बात, उसके पास कुछ तो लाया गया, और दूसरी बात, उसने कुछ तो जताया। उसके पास कुछ लाया गया पहली बात, और दूसरी बात, उसने कुछ तो जताया। सबसे पहले इस बात की ओर आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ, उसके पास क्या लाया गया। प्रियो, हम क्या देख रहे हैं आज? हम लोग अनुग्रह के बारे में देख रहे हैं। किस प्रकार का अनुग्रह? उद्धार देने वाला अनुग्रह। प्रियो, उस उद्धार देने वाले अनुग्रह के बारे में जब हम देखते हैं और जब हम बोलते हैं उसके पास क्या लाया गया, हम ये समझते हैं कि उसके पास उद्धार लाया गया। प्रियो, उसके पास नजात, मोक्ष लाया गया, सेल्वेशन लाया गया। ये सब जब हम देखते हैं, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि वो उद्धार किस वजह से लाया गया। देखिए, यहाँ पर लिखा है, पहली आयत में पढ़ रहा हूँ, दूसरे शमूएल 9:1। दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनाथन के कारण प्रीति दिखाऊं? किस वजह से लाया गया? शाऊल के घराने का ये व्यक्ति के ऊपर दाऊद अनुग्रह कर रहा है, उसका एक कारण है। वो अनुग्रह का कारण, वो उद्धार का कारण क्या है? वो कारण है एक व्यक्ति। एक व्यक्ति के खातिर दाऊद यहाँ पर मफीबोशित के ऊपर अनुग्रह करता है। एक व्यक्ति के कारण दाऊद मफीबोशित पर अनुग्रह करता है। वो व्यक्ति दूसरा तीसरा और कोई नहीं था, पर उस मफीबोशित का पिता योनाथान था। प्रियो, हम देख रहे थे कैसे शाऊल का परिवार अयोग्य परिवार था, पर उस अयोग्य परिवार में दाऊद का एक बहुत खास मित्र, दाऊद का एक बहुत खास दोस्त, जिसे वो एक भाई के समान समझता था, योनाथान, जो इस समय तक तो मर चुका था, उस योनाथान के खातिर दाऊद ने उस पर प्रेम किया, दाऊद ने उस पर अनुग्रह भी किया। देखिए, सिर्फ योनाथान के खातिर नहीं, और एक बात वो हमें कहती है। देखिए, तीसरी आयत, पहली आयत में लिखा था कि मैं योनाथान के कारण किस पर प्रीति दिखाऊं। तीसरी आयत देखिए, राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? प्रियो, दाऊद परमेश्वर की प्रीति के बारे में जानता था। दाऊद जानता था कि परमेश्वर ने मुझ जैसे अयोग्य व्यक्ति को मेरे पापों के बावजूद मुझे अपने घर में लाया, मुझे अपना राजा बनाया, मुझे अपने लोगों का राजा बनाया, मुझे एक ऐसा स्थान दिया जिसके मैं लायक नहीं था। दाऊद को अपनी स्थिति पता थी, कहां से कहां परमेश्वर उसे ले आए थे, उसके जीवन के जो गलत बातें हैं, पाप है, उसके बावजूद परमेश्वर ने, उसने क्योंकि क्षमा मांगी, उस क्षमा होने के कारण उसको परमेश्वर ने क्या क्या दिया, ये सब जानता था। दाऊद पर अनुग्रह हुई थी, और इसलिए दाऊद ने यहाँ क्या किया,
ऐसा ही अनुग्रह परमेश्वर ने जैसा मुझ पर अनुग्रह किया वैसा मैं अनुग्रह शॉल के घराने के किसी पर करना चाहता हूँ। प्रियो, किस वजह से उसने किया, क्या कारण था, क्यों किया उसने वो अनुग्रह? सबसे पहले एक व्यक्ति के खातिर, और दूसरी बात क्योंकि परमेश्वर की सी प्रीति उसमें दिखाई देती थी। प्रियो, हम इससे क्या सीखते हैं? हम लोगों की भी तो ऐसी ही दशा थी। हम लोगों ने देखा हम लोग मफीबोशत जैसे थे, पर हम पर कैसा अनुग्रह हुआ? हम पर ढूंढने वाला अनुग्रह हुआ। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आया। सिर्फ उतना ही नहीं प्रियो, पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम पढ़ते हैं, हमारे खातिर प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए और उस वजह से हमारे खातिर उन्होंने अपना प्राण उस कलवरी के क्रूस पर दिया। हमारे खातिर उन्होंने अपना खून, अपना लहू उस कलवरी के क्रूस पर बहाया। हमारे खातिर वो मारे गए, गाड़े गए और जी उठे। और उस व्यक्ति के कारण परमेश्वर पिता हम लोगों पर प्रेम करते हैं। परमेश्वर की सी प्रीति परमेश्वर ने ही खुद हम पर दिखाई। परमेश्वर ने जगत पर ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र भेज दिया। प्रियो, वही तो परमेश्वर ने हमारे लिए किया। किसके कारण? प्रभु यीशु मसीह के कारण। रोमियो की किताब 5:10 उधर ऐसा लिखा है, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र के मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? किसके द्वारा हुआ? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर के पुत्र के द्वारा। और उसी के द्वारा हम लोग ने परमेश्वर के साथ मेल पाया है और उसी वजह से हम लोग उद्धार पाते हैं। यहाँ पर लिखा है प्रियो, उस उद्धार देने वाले अनुग्रह के बारे में बताना चाहता हूँ जो प्रभु यीशु मसीह के कारण हुआ, जो परमेश्वर के प्रेम के कारण हुआ। ना ही सिर्फ उतना, देखिए कैसे हुआ उसके बारे में जब हम देखते हैं 2 शमूएल 9:6 उधर ऐसा लिखा है, जब मफीबोशेत जो योनाथान का पुत्र और शाऊल का पोता था दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। दाऊद ने कहा, हे मफीबोशेत। दाऊद ने उसे अपने नाम से पुकारा। ना ही सिर्फ उतना, उसके आगे वो कहता है, मत डर, तेरे पिता योनाथान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा। यहाँ पर लिखा है प्रियो, यहाँ पर जब हम इसके बारे में देखते हैं, दाऊद ने उस पर किसी व्यक्ति के कारण तो अनुग्रह दिखाया, दाऊद ने परमेश्वर का सा प्रेम तो उस पर दिखाया, पर दूसरी बात यहाँ पर देखिए, ये उद्धार देने वाला अनुग्रह कैसा अनुग्रह है? यहाँ पर हम देखते हैं वो एक वैयक्तिक अनुग्रह है। इट इज़ अ पर्सनल सेल्वेशन, इट इज़ अ पर्सनल ग्रेस जो हर एक व्यक्ति पर होती है। आप जानते हैं लूका 19:10 में हम लोगों ने कहा, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने के लिए और उन्हें बचाने के लिए, उन्हें उद्धार देने के लिए आया है। पर वो किसके बारे में कहा गया था, किसके घर में वो कहा गया था? वो जक्कै नामक एक व्यक्ति के घर में कहा गया था। ये व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहा था, ये व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था पर देख नहीं पा रहा था, क्योंकि बहुत से लोग उधर खड़े थे यरीहो नगर में और ये कद से छोटा था, तो फिर उस वजह से भी वो देख नहीं पा रहा था। तो इतने सारे लोगों के बीच में ये एक पेड़ पर जाकर चढ़ गया और उस पेड़ पर चढ़ने के बाद वो जब प्रभु को उसने देखना चाहा, आप जानते हैं ढूंढने वाले अनुग्रह वाला परमेश्वर, ढूंढने वाला अनुग्रह वाला प्रभु यीशु मसीह ने उसे ढूंढ लिया और उद्धार देने वाले प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? प्रियो, उद्धार देने वाला प्रभु यीशु मसीह, ढूंढने वाला प्रभु यीशु मसीह, वो अनुग्रह जो एक व्यक्ति में हम देखते हैं, वो व्यक्ति उसके सामने खड़ा हुआ और उसने क्या कहा? अरे तू नीचे उतरा, ऐसे नहीं कहा प्रियो, उसने कहा जक्कै तू नीचे उतरा। उसको व्यक्तिगत रूप में प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जक्कै को व्यक्तिगत रूप में बुलाया। आप जानते हैं आपको और मुझे भी प्रभु यीशु मसीह वैसे ही व्यक्तिगत रूप में बुलाते हैं। हम जब यूहन्ना 10:2 देखिए, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। प्रियो, हमें नाम से जानने वाले प्रभु यीशु मसीह है, वो उद्धार हमारे लिए लाए हैं। उस अनुग्रह के तहत, उस प्रेम के, प्रीति के तहत
उन्होंने हम पर अनुग्रह किया है और उस वजह से उन्होंने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह के कारण हम पर अनुग्रह हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की प्रीति, परमेश्वर का प्रेम हम पर दिखाया। ना ही सिर्फ उतना प्रियो, पर वो यहाँ पर हम देखते हैं एक व्यक्तिगत रूप में हुआ। हे मफीबोशेत, डर मत, जक्कै, नीचे आ। पर वही परमेश्वर जो ऐसे इन लोगों को नाम से जानता था, आपको और मुझे भी नाम से जानता है। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर आपको जानते नहीं होंगे? क्या आपको लगता है कि आप एक दुनिया के कोने में कहीं तो है और आपको कोई पहचानता नहीं है, जानता नहीं है? प्रियो, परमेश्वर आपको जानते हैं, परमेश्वर आपको नाम से जानते हैं। उनकी बस इतनी ही इच्छा है कि वो खोजने वाले अनुग्रह को आप प्राप्त करें। ना ही सिर्फ खोजने वाला अनुग्रह, पर दूसरी बात, उद्धार देने वाले अनुग्रह को भी आप प्राप्त करें। वो एक पर्सनल इनविटेशन है, वो एक व्यक्तिगत नियोता है हम लोगों के लिए। प्रियो, ना ही सिर्फ उतना, हमने देखा किसके कारण वो प्रेम किया गया, दूसरी बात हम देखते हैं कैसे किया गया, पर तीसरी बात देखिए कब तक वो अनुग्रह हमारे ऊपर रहता है। वो अनुग्रह के बारे में जब हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर, दूसरे शमूएल 9:7, दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनाथान के कारण मैं निश्चय तुझे प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शौल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा। और उसके आगे वो क्या कहता है देखिए, तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। कब तक के लिए यह अनुग्रह है? नित्यता के लिए, हमेशा के लिए। यहाँ पर जब तक वो मरेगा नहीं तब तक उसके लिए वो अनुग्रह था, हमारे लिए भी वही नित्य अनुग्रह दिया है। प्रियो, यहाँ पर ना ही सिर्फ उधर देखते हैं, पर 13वीं आयत में देखिए, दाऊद ने सिर्फ कहा नहीं, दाऊद यहाँ पर क्या करता है देखिए, 9:13 में पढ़ रहा हूँ, मफीबोशेत यरूशलेम में रहता था क्योंकि वह राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था, वह दोनों पांव से पंगुला था। प्रियो, यहाँ पर हम क्या देखते हैं? यहाँ पर देखते हैं मफीबोशेत नित्य राजा की मेज पर भोजन किया करता था। कितनी महान बात, उद्धार देने वाला अनुग्रह किस वजह से हुआ? किसी व्यक्ति के कारण, प्रभु यीशु मसीह के कारण, पर परमेश्वर के प्रेम के खातिर भी हमारे ऊपर हुआ। ना ही सिर्फ उतना, पर कैसे हुआ हम देखते हैं, व्यक्तिगत रूप में हमारे ऊपर हुआ। वो आपको और मुझे नाम से जानते हैं। प्रियो, परमेश्वर आपको भूले नहीं हैं। परमेश्वर से आप कितने भी दूर गए होंगे, पर परमेश्वर आपको जानते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि वह आप उनके पास आए, आप उनके उस अनुग्रह को प्राप्त करें। प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर ने हम लोगों पर ना ही सिर्फ अपने बेटे के कारण, अपने पुत्र के कारण, प्रभु यीशु मसीह के कारण हम पर अनुग्रह किया, ना ही सिर्फ हम पर व्यक्तिगत अनुग्रह किया, पर वो अनुग्रह हमेशा हमेशा के लिए किया है। प्रियो, क्या लिखा है यूहन्ना 3:16 में, जो भी कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उनको क्या दिया जाएगा कहा है? उधर ऐसा लिखा है उनको अनंत जीवन दिया जाएगा, हमेशा हमेशा का जीवन, मृत्यु उनके जीवन में नहीं रहेगी। ऐसा अनुग्रह जो सिर्फ इस जीवन काल के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए हमारे लिए वो अनुग्रह प्राप्त किया गया है। प्रियो, मफीबोशेत पर वो अनुग्रह हुआ, हमारे लिए भी वो अनुग्रह है। सिर्फ ढूंढने वाला अनुग्रह ही नहीं, पर एक ऐसा अनुग्रह जो उद्धार देता है, वो आपके और मेरे लिए है। प्रियो, मफीबोशेत जैसे व्यक्ति पर अगर दाऊद ने अनुग्रह किया, तो उससे अधिक अनुग्रह देने वाला परमेश्वर हमारा है। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका आयद 8:9 हम पढ़ेंगे। उधर ऐसा लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हमारे कर्मों के कारण उद्धार नहीं प्राप्त होता। प्रियो, मफीबोशेत क्या कुछ कर लेता, पर वो कभी भी राजा के महल में जाकर नहीं रह पाता, राजा के साथ खाना नहीं खा पाता, पर वो राजा का अनुग्रह था जिसने उसे ढूंढा, वो राजा का अनुग्रह था जिसने उसे उद्धार दिया। उसी प्रकार से प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह है जिसने हमें ढूंढा, जिसने हमें खोजा, परमेश्वर का अनुग्रह है जिसने हमें उद्धार दिया है। प्रियो, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर अभी तक विश्वास नहीं किया होगा, तो आपसे कहना चाहता हूँ, यह अनुग्रह आपके लिए ऐसा बस रखा हुआ है। आज अनुग्रह का दिन है, इसको अनुग्रह का काल कहा जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब मारे गए, गाड़े गए और जी उठे, उसके बाद उनका स्वर्गारोहण हुआ, वो स्वर्ग में गए, उसके बाद से लेकर अभी तक करीबन 2000 साल बीत गए हैं। इतने सालों में हम लोगों के लिए अनुग्रह का ये काल दिया गया है।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं बहुत जल्द दोबारा लौटने वाला हूँ। प्रभु यीशु मसीह लौटने तक, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने तक, दूसरे बार वो जब आएंगे वो उसके बाद न्याय करेंगे, पर दूसरे बार उनके दूसरे आगमन के पहले ये अनुग्रह का समय है। उनका दूसरा आगमन बहुत निकट है, बाइबल कहती है, कभी भी हो सकता है, बाइबल कहती है। पर इस अनुग्रह के काल में जो अनुग्रह ने हमें बहुत साल पहले ढूंढा था, जो अनुग्रह ने हमें इतने सालों पहले प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार दिया था, कलवरी के क्रूस पर हमें दिखाई देता है। और उस अनुग्रह के तहत परमेश्वर आपको और मुझे बुला रहे हैं। उस अनुग्रह के तहत परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके पास आए। उस अनुग्रह के तहत परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उनको अपना मुक्तिदाता करके अंगीकार करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम सार्वकालिक जीवन, अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। ना ही सिर्फ ढूंढने वाला, खोजने वाला अनुग्रह, पर दूसरी बात, उद्धार देने वाला अनुग्रह। उस अनुग्रह के बारे में और एक बहुत अच्छी बात है जो हम प्रभु की इच्छा में अगले बार देखेंगे। इसी व्यक्ति के जीवन से, मफीबोशेत और दाऊद की इस घटना से ये समझने के लिए परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किए हैं और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या कुछ प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता है जीवन जल नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पोंडेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 09899258074। ईमेल आईडी gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस jeevanjaltv@youtube.com। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार।